हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड, स्टडिंग वेल, फिट, फाइन एंड हेल्दी. सो वेलकम टू टुडेज सेशन. इट्स अ शॉर्ट क्विज ऑन ट्रेंड्स सीन ड्यूरिंग सक्सेशन. हमने अपने पिछले सेशन में ट्रेंड्स की बात की थी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस और मैच्योर स्टेजेस में क्या ट्रेंड दिखाई देता है. आज उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सक्सेशन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी. इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस फूड चेन इज प्रीडोमिनेंटली ग्रेजिंग, वाइल इन लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस द फूड चेन इज प्रीडोमिनेंटली डेट्राइटस टाइप. उसने बोला है इनकरेक्ट, बताइए गलत. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि शुरुआत में क्या होती है, प्रीडोमिनेंटली ग्रेजिंग टाइप. अर्ली में अगर आप देखेंगे अर्ली में क्या होता है, डेट्राइटस तो उतना होता ही नहीं है. जैसे जैसे हर्ब से श्रब्स बनेंगे, श्रब से ट्रीज बनेंगे, तो उतना लिटर फॉल होगा, तो डेट्राइटस ज़्यादा इकट्ठा होगा. इसी तरह जैसे जैसे हर्ब से श्रब, श्रब से ट्रीज होंगे, तो वैसे वैसे एनिमल्स भी बढ़ते चले जाएंगे. एनिमल्स बढ़ेंगे तो लिटर फॉल, आपको उनका भी डेट्राइटस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मैटर या उनका डेड बॉडीज, तो या पार्ट्स नॉट ईटन बाय द प्रेडेटर्स. तो वो सारा डेट्राइटस लेटर स्टेजेस में होता है, शुरुआत में डेट्राइटस बहुत कम होता है. तो इसीलिए इन लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस द फूड चेन इज प्रीडोमिनेंटली डेट्राइटस टाइप. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है. नेक्स्ट, इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर एक्स्ट्रा बायोटिक, वेयर एज इन लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर इंट्रा बायोटिक. What do you mean by extrabiotic and intrabiotic? Means living body के बाहर या living body के अंदर. That living body may be either plant or animal, autotroph या heterotroph. तो शुरुआत में क्या है, they are extrabiotic. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा organisms हैं ही नहीं वहाँ. जो भी nutrients हैं वो तो या तो soil में होंगे, rocks में होंगे, water में होंगे. तो इसीलिए शुरुआत में क्या होता है, इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस दे आर एक्स्ट्रा बायोटिक और लेटर में इंट्राबायोटिक, फिर वो बॉडी के अंदर हो जाते हैं. इन अर्ली डेवलपमेंट, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो, बी इज ऑल्सो ट्रू. इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइफ साइकिल्स आर शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल. बट इन मैच्योर स्टेजेस द लाइफ साइकिल्स आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स. अब आप याद करिए, जब मैंने आपको ट्रेंड्स बताए थे तो उस वक्त मैंने आर स्ट्रेटजिस्ट और के स्ट्रेटजिस्ट की बात की थी. अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में, इमेच्योर स्टेजेस में स्पीशीज आर मोस्टली आर स्ट्रेटजिस्ट, बाद में क्या होता है, के स्ट्रेटजिस्ट. तो आर स्ट्रेटजिस्ट की खासियत क्या होती है, उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है, सिंपल है, जल्दी से वो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करके और नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करके निकल लेते हैं. और बाद वाले क्या हैं, लाइफ साइकिल लंबी है, कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे पेरेंटल केयर निल होती है शुरुआत, लेकिन बाद में पेरेंटल केयर होती है. फिर आप, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट, सी भी सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. कमिंग टू लास्ट ऑप्शन, इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस निश स्पेशलाइजेशन इज नैरो, बट इन मैच्योर स्टेजेस द निश स्पेशलाइजेशन इज ब्रॉड. नाउ व्हाट इज निश? आने वाले कुछ दिनों में हम मैं निश पर भी एक आपको वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो तब हम डिटेल में देखेंगे. अभी आप इतना समझिए निश क्या है. एक स्पीशीज़ को रहने के लिए क्या सब चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हों, चाहे उसके चारों तरफ जो कम्युनिटी है, तो वो सारा उसका निश बनता है. निश इज कैसे कैसे वो रह रहा है वहाँ पे. केवल वो प्लेस नहीं, वो वहाँ रहकर करता भी क्या है दिन रात, कैसे कुछ मॉडिफिकेशन भी रख, वो पूरा सारा एस्पेक्ट निश में आता है.
हैबिटेट अलग है, निश अलग है. तो अभी आप इतना समझिए, निश स्पेशलाइजेशन इज नैरो. नैरो मतलब ये हुआ कि अगर उसको टेम्परेचर की रेंज है तो केवल इतनी ही है, या पीएच अगर चाहिए तो बस इतना ही चाहिए यहाँ से यहाँ तक, इसी किसी रेंज में, बहुत नैरो. और ब्रॉड में क्या है, इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में वो रह लेगा, इस पीएच से इस पीएच के बीच में रह लेगा, इस सनलाइट से इस सनलाइट के बीच में, इस रेनफॉल से इस रेन, ये ब्रॉड हो जाता है. रेंज बड़ी होती है जहाँ पे कंडीशंस की, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की. ये यहाँ छोटा भी ऑर्गेनिज्म खा लेगा, उससे बड़ा भी, हर्बीवोर भी खा लेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है, वो खाएगा तो क्या खाएगा, कहाँ पे रहेगा, उसको कितनी शेड चाहिए. तो जैसे जैसे एक कम्युनिटी मैच्योर होती है, तब धीरे धीरे निश स्पेशलाइजेशन नैरो होता चला जाता है. कोई भी दो स्पीशीज का निश एक नहीं होता, ये हम आगे देखेंगे. अभी आप इतना समझिए, दिस इज फॉल्स. ये फॉल्स क्यों है, इसलिए फॉल्स है क्योंकि शुरुआत में, बिगनिंग में निश ब्रॉड है. निश ब्रॉड है इसका मतलब ये है कि जो मिल गया खा लो, जैसा मिल गया रह लो, शुरू में ज़्यादा चॉइसेस हैं नहीं. तो इसीलिए शुरुआत के ऑर्गेनिज्म्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को जिनका निश ब्रॉड होता है जनरलिस्ट कहते हैं, और जिनका स्पेसिफिक होता है वो स्पेशलिस्ट कहलाते हैं. तो सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो फॉल्स स्टेटमेंट 4 है, डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट सक्सेशन. नॉट इनकरेक्ट यानी करेक्ट है, यानी ट्रू है. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? नीचे चार है तो एक सही है, बाकी तीनों गलत है, फॉल्स. नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग डिक्रीजेस ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ सक्सेशन. दिस इज फॉल्स. जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं सक्सेशन की, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एफिशिएंट होती चली जाती है और इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो डिक्रीज नहीं होती है, इट इंक्रीजेस. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर मेनली बायोलॉजिकल इन नेचर इन अर्ली स्टेजेस. बायोलॉजिकल इन नेचर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, इसका मतलब ये हुआ कि उनको खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तभी उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी. शुरुआत में तो कहाँ आएंगे, जब खाना ही नहीं है वहाँ पर, बहुत कम खाना है तो एनिमल्स भी तो बहुत कम होंगे और छोटे छोटे होंगे. तो पॉपुलेशन कंट्रोल बायोलॉजिकल नहीं होता है, ये होता है फिजिकल. ये हो जाएगा या तो टेम्परेचर से, विंड से, रेनफॉल से, इनसे ये पॉपुलेशन कंट्रोल होता है शुरुआत की स्टेजेस. बायोलॉजिकल होता है लेटर में, सक्सेसिव मैच्योर स्टेजेस में जाके. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, ग्रोथ रेट इज स्लो ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ सक्सेशन. स्लो कह रहा है बट बिकम्स रैपिड, तेज हो जाता है कब, ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस. दिस इज फॉल्स, ये उल्टा कह रहा है. तो ग्रोथ रेट इज हाई ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस एंड बिकम्स स्लो. आप देखिए ना, जितने बड़े बड़े ट्रीज है कितने धीरे धीरे उगते हैं हर साल, या बड़े एनिमल्स, लेकिन जो छोटे छोटे हैं कितनी जल्दी उग जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हाइल द रीसाइलेंस डिक्रीजेस. देखिए क्या है ये दो टर्म्स, रेजिस्टेंस और रीसाइलेंस. हमने अपने ट्रेंड्स का जो वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था, रेजिस्टेंस होता है टू रेजिस्ट, स्टॉप, उसका विरोध करना, मुकाबला करना, रेजिस्टेंस. कोई फोर्स आती है अटैक कर रही है तो
तो वो मजबूती से खड़ा हुआ, दैट इज रेजिस्टेंस। और रीसाइलेंस क्या है, मजबूत नहीं है वो ऑर्गेनिज्म। सपोज हम एक प्लांट का एग्जांपल है, हर्ब मजबूत नहीं है, रेजिस्ट नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, उखड़ गई, उखाड़ दिया गया। लेकिन उसके अंदर रीसाइलेंस है, कैपेसिटी टू कम बैक, फिर उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, तो फिर वो फिर से आ गया, यानी रीसाइलेंस उसका ज़्यादा है। तो शुरुआत में क्या है, रेजिस्टेंस कैसा होता है और रीसाइलेंस कैसा होता है। शुरुआत में आपका रेजिस्टेंस कम होता है, रीसाइलेंस ज़्यादा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे कम्युनिटी की मैच्योर स्टेजेस आती जाती हैं। और रीसाइलेंस क्या था, शुरुआत में ज़्यादा था लेकिन धीरे धीरे वो घटता चला जाता है। तो आप बड़े पेड़ को एक उखाड़ दीजिए, फिर से नहीं बन पाएगा, अब बनेगा तो बहुत मुश्किल से बनेगा, लेकिन आप छोटे को उखाड़ के देखें जो रीसाइलेंट स्पीशीज है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेंड सीन ड्यूरिंग सक्सेशन। उसके बाद ये पढ़ने के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन represents all correct statements. तो पहले हम सारी statements पढ़ लेते हैं। First statement, role of detritus in nutrient cycling is unimportant in initial developmental stages. शुरू में detritus का जो role है, that is not important. कोई महत्वपूर्ण नहीं है उसका role. But becomes important during later stages of development. बाद की stages में क्या है, important बन गया। This is true. क्यों भाई, क्योंकि शुरू में detritus होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, तो शुरुआत में unimportant है। आपने, आपको याद होगा food chains भी कैसी थी, grazing थी, detritus नहीं थी। तो ये statement तो आपकी correct है। Next, the habitat changes from extreme to optimum conditions. Extreme condition से optimum as succession proceeds. जैसे जैसे succession बढ़ता चला जाता है, ecological development होता चला जाता है, तो जो habitat है, जो conditions है वहाँ पर, वो extreme से optimum, मेजिक बन जाती हैं। यानी बहुत पानी है तो बहुत सूखा भी नहीं होगा, बहुत गीला भी नहीं, मॉडरेट। बहुत अगर सूखा है तो धीरे धीरे कंडीशन कैसी होंगी, बहुत सूखा भी नहीं और बहुत पानी वाला भी नहीं, मेसिक कंडीशंस। तो ये तो होता ही है, ट्रेंड एक्सट्रीम से ऑप्टिमम में जाती है। एक्सट्रीम में स्पीशीज भी कम है, तभी तो आप देखिए ना कि आगे जो मैच्योर स्टेजेस में आपको इनिशियल स्टेजेस से ज़्यादा स्पीशीज मिलेंगी। क्यों, क्योंकि हैबिटेट ऑप्टिमम कंडीशंस का है। फिर सो दिस इज करेक्ट, ड्यूरिंग सक्सेशन नाइट्रोजन मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीजेस व्हाइल फॉस्फोरस एंड पीएच डिक्रीजेस सॉइल में। सक्सेशन जब होता है तो नाइट्रोजन, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, माइकोराइजा भी होते हैं, तो फ्री लिविंग जितने माइक्रोब्स हैं, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी होते हैं, तो इसीलिए नाइट्रोजन कंटेंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है। कि मॉइस्चर क्यों इंक्रीज करता है, मॉइस्चर इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ते जाएंगे, रूट्स उनकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखेंगी और लीव्स भी ट्रांसपिरेशन होगा, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट एटमोसफियर में भी मॉइस्चर रहता है। फिर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, लिटर फॉल प्लांट्स का, एनिमल्स का क्या है, डेड रिमेन्स, द प्लांट द एनिमल पार्ट्स नॉट ईटन बाय द प्रेडेटर्स, और जितना भी वेस्ट एक्सक्रीटा है, तो ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज करते हैं, शुरू में कम होगा, क्या ये तीनों। लेकिन फॉस्फोरस और पीएच डिक्रीज करेंगे मैच्योर स्टेजेस में, ये डिक्रीज कर जाते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल की खास बात क्या है, दिस इज
मेनली सेडिमेंट्री साइकिल। फॉस्फोरस जब भी ब्रेक डाउन होगा रॉक्स में से निकलेगा और उसको प्लांट्स या जो रिएक्शन से वो जब रिलीज होता है तो बहुत थोड़े समय के लिए वो अवेलेबल है प्लांट के लिए। अगर प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो अच्छी बात है, गया प्लांट, नहीं एब्जॉर्ब किया तो वो बाउंड फॉर्म में फिर से हो जाता है और चला जाता है रॉक्स में या पानी के साथ बह के फिर एक्वेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है, वहाँ रॉक्स में चला जाता है। तो फॉस्फोरस कंटेंट आपको हमेशा कम मिलेगा मैच्योर स्टेजेस में। पीएच क्यों डिक्रीज करता है आपको पता है, जैसे जैसे अभी हमने ऑर्गेनिक मैटर की बात की ना, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज इट मीन्स क्या है, ह्यूमस ज़्यादा होगा, ह्यूमस डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल्स प्लांट्स, तो अब क्या है इसमें से ह्यूमस से क्या बनेगा, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड मतलब पीएच डिक्रीज करेगा। सो दिस इज करेक्ट। एंड कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट, रूट टू शूट रेशियो इज लो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, यानी रूट टू शूट रेशियो लो है, तो यह तो आपको पता है जो शुरुआत के प्लांट्स हैं उनकी रूट्स कितनी है, छोटी छोटी होंगी, सरफेस पर होंगी या अगर सॉइल में भी तो बहुत डीप नहीं होंगी, तो रूट कम है, तो रूट अगर कम है तो रेशियो क्या है, कम होगी। सो दिस इज लो, रेशियो लो है। वेयर एज दिस रेशियो इंक्रीजेज इन लेटर स्टेजेस, जो बाद के प्लांट्स हैं उनकी रूट्स कितनी गहरी जाती हैं जमीन में, तो रिलेटिवली ये रेशियो आर बाई एस रेशियो, रूट टू शूट रेशियो, इट इंक्रीजेज एज द कम्युनिटी मैच्योर्स। बड़े बड़े प्लांट्स कितनी गहरी गहरी जड़ें, कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जितना अर्थ के ऊपर है उनसे कहीं गहरी उनकी जड़ें हैं नीचे। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट सी दी ऑप्शंस, ए बी सी, नहीं डी बी सही है, ए बी डी बी सी, सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस वॉज अ शॉर्ट क्विज ऑन ट्रेंड्स सीन ड्यूरिंग सक्सेशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन related to this topic or any other topic related to succession, any question related, kindly send us the question and send your comments also. We will be meeting soon. The next video will be about intermediate disturbance hypothesis, that is also related to succession. कहीं ना कहीं आता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, शुरुआत की स्टेजेस में या मैच्योर स्टेजेस में या इंटरमीडिएट बीच की स्टेजेस में। सो टिल देन स्टे सेफ हेल्दी, थैंक।